हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हज्जन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन सूप की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स ये, और सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी पहुँचाती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चिकन सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते, उसको बॉईल करके बोन से अलग भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे पानी। पानी फ्रेंड यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है। पानी में हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन को, और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखेंगे कवर करके, और जब तक हमारा फ्रेंड चिकन जो है वो बॉईल हो रहा है तो हम काट लेते हैं इसके साथ के लिए सब्ज़ी। चिकन सूप के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 2 गाजर और बीन्स। यहाँ पे देखिए गाजर को हम बारीक बारीक काट लेंगे। और सब्ज़ी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं गाजर, बीन्स, हरी प्याज और टमाटर ले रही हूँ, और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी लूँगी मैं इसमें। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बीन्स काट लेंगे बारीक। थोड़ी सी हरी प्याज, इसको भी यहाँ पे देखिए बारीक काट लेंगे। एक टमाटर भी काट लेंगे इसमें, टमाटर को भी यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च भी काट लेंगे फ्रेंड, शिमला मिर्च को भी यहाँ पे मैंने बारीक काट लिया है। सारी सब्जियों को यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखिए बारीक काट लिया है, गाजर, बीन्स, हरी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। जो सब्जी आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। चिकन हमारा फ्रेंड बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, और अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि देखिए चिकन हमारा कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है। और अब इस चिकन को हम यहाँ से निकाल लेंगे। और जो हमारा कढ़ाई में पानी बचा है फ्रेंड्स उसमें हम डाल देंगे सारी सब्जियां। सब्जियों को हम यहाँ पे पकाएंगे। सब्जियां भी हमारी कच्ची हैं, इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पकाएंगे, इनको सॉफ्ट करेंगे। 1/3 टीस्पून डालेंगे इसमें हम चाट मसाला पाउडर। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। सब्जियों को हम इसमें पकने के लिए छोड़ देंगे, और जो हमने चिकन बॉईल करा है उसकी बोटियों के रेशे हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारी बोटियों को हम यहाँ पे इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा ये गर्म है, और इसको हम ज़्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, नहीं तो ज़्यादा ठंडा जब हो जाता है ना फ्रेंड्स तो ये अलग अलग आराम से नहीं हो पाता है। ये देखिए यहाँ पर अभी हल्के हल्का सा गर्म है, इसलिए हम इसको यहाँ पे हल्का सा गरम गरम में ही इसके रेशे रेशे अलग कर लेंगे। और जब ये गरम होते हैं ना फ्रेंड तो ये बहुत ही आसानी से इसकी जो रेशे हैं चिकन की बोटियों के वो अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए सारी बोटियों को मैंने यहाँ पे रेशे अलग अलग कर लिए हैं इसके। और जो हमारी सब्जियाँ बॉयल हो रही हैं उसमें हम इस चिकन को डाल देंगे। देखिए चिकन को डाल के इसमें बहुत अच्छे से चलाएंगे। और अब एक बाउल में हम लेंगे यहाँ पे अंडा, और अंडे को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से फेंटेंगे। चिकन सूप को फ्रेंड्स यहाँ पे हम और भी हेल्दी बनाने के लिए देखिए इसमें डालेंगे अंडा, और अंडा डालने के लिए यहाँ पे मैंने अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अंडा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊँचा करके। ये देखिए पास से अगर आप इसमें अंडा डालेंगे ना तो इसमें जो ये रेशे रेशे से और बनने शुरू हुए ना ये बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। अंडा डालने से कितना टेस्टी बन जाता है चिकन सूप, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से हम इतना ऊँचा करके
अंडा डालेंगे इसमें और चलाते रहेंगे। देखिए सारा अंडा मैंने इसमें डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अंडे के रेशे रेशे से बनने शुरू हो चुके हैं। अंडा जो है चिकन सूप के ऊपर आने लगा है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, चिकन सूप के ऊपर किस तरह से आने लगा है अंडा, हमें इसी तरह से करना है। इसकी ग्रेवी को और थोड़ा सा थिक करने के लिए अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से बाउल में फेंट लिया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे और ये देखिएगा आप कितना थिक हो जाता है फ्रेंड्स इससे ही। इसका थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। चिकन सूप हमारा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको बना के ज़रूर देखिए। और सर्दियों में तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इस तरह से आप इसको बना के देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।